यार आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पटना में 1 करोड़ सोने की लूट हो गई है। जी हां, ये बड़ी खबर है। आपको पटना में 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि 2 किलो सोना लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं। पटना बिहटा मुख्य मार्ग की यह घटना है, कन्हौली के पास। यह वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पहले वो तस्वीर देखिए। आधा घंटा होला है। पिंटू ओकरा भेज दो, भेजो लिखवा। कौन है आपको? गुप्ता ज्वेलर्स, जो कन्हौली के पास है, बिहटा पटना मुख्य मार्ग पर कन्हौली पड़ता है और वहीं पर मुख्य मार्ग पर ही ये गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान है। दुकानदार का नाम जितेंद्र कुमार है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार अपने घर से 2 किलो सोने से बने गहना लेकर के एक थैले में दुकान पर आ रहे थे। डिलीवरी देनी थी, शादी विवाह का मौका है, इस मौके पर उन्हें जो मिला हुआ था एग्रीमेंट उसके हिसाब से डिलीवरी देनी थी और उससे पहले ही 3 अपराधी घात लगाकर वहाँ बैठे हुए थे। और जैसे ही जितेंद्र कुमार अपने दुकान का शटर खोलने लगे उसी वक्त वो लोग दुकान में घुसे और घुसने के बाद हथियार के बल पर सोने से भरा वो थैला लेकर फरार हो गए। दुकानदार अभी कुछ समझ ही नहीं पाते, तब तक अपराधी बाइक से बिहटा की ओर 1, 2, 3 हो गए, यानी कि फरार हो गए। हंगामा मच गया, हाहाकार मच गया, लोग इकट्ठा हो गए। तब तक जितेंद्र कुमार कहने लगे कि मेरा सोने से भरा थैला लेकर अपराधी फरार हो गए। इस बात को सुनकर के बिहटा के लोग, यानी कि बिहटा पटना मुख्य मार्ग में जो कन्हौली पड़ता है, वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए। रोड जाम कर दिए, सड़क जाम कर दिए। लोगों का कहना था कि इस प्रकार की वारदात आए दिन होती है लेकिन पुलिस प्रशासन सोई रहती है। वहाँ पर आपको सिटी एसपी पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, सभी लोगों को समझाने का प्रयास किए, तब जाकर के यह मामला शांत हुआ। लेकिन लोगों का कहना है कि आए दिन ऐसी वारदातें हो रही है। ये 2 किलो सोना यानी कि 1 करोड़ रुपये मूल्य बताया जा रहा है आपको, पटना बिहटा मुख्य मार्ग की ये घटना है। तो अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि आपको पटना बिहटा मुख्य मार्ग पर 1 करोड़ रुपए सोने की लूट हुई है। इस लूट से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कॉमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।